ओके Hey guys, assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama. Gup. Kya haal chaal hai Shazia aapke? जी, बस सर्दियां आ गई हैं यहाँ तो ठीक ठाक, और मुझे लग रहा है कराची में अभी नहीं आई हैं। अदरवाइज सब ठीक ठाक, बहुत सारे ड्रामे हैं साथ, एंड यू हैव बीन वेरी बिजी, तो आज हम शाम को रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत ज्यादा आज का बिजी दिन था, बट चलो खैर, अल्लाह मालिक है, हो ही जाता है. कुछ कुछ दिन मुश्किल गुजरते हैं, हो ही जाते हैं. सर्दियां कराची में इतनी नहीं आई है, रात को हवाएं चल रही होती है, लेकिन सुबह गर्मी, सुबह धूप होती है और अच्छी खासी गर्मी हो रही होती है. या नो, इट्स क्वाइट कोल्ड हियर। बल्कि आज तो मैंने स्वेटर ही पहन लिया घर के अंदर, मुझे सर्दी लग रही थी। मैंने कहा कि राबिया को भी कल तो किस कलर का आई आईलाइनर सॉ लगाया यू हुआ है? वेयरिंग आज किस कलर का आई शेडो लगाया हुआ है तुमने? डार्क ग्रीन। द पैलेट हैज टू बी यूज, सारे कलर्स यूज करना जरूरी है ना। So will we see you या wearing purple and yellow? यू विल सी मी वेयरिंग पर्पल। पता नहीं येलो नजर आएगा कि नहीं। एक ट्रिक होती है वैसे, मैंने वो सीख ली। आपको पहले एक न्यूट्रल कलर लगाना होता है नीचे, एंड देन यू अप्लाई द येलो, Oh my व्हिच आई डिडंट goodness! नो। People, have you seen matching eyeshadow and nail polish? Have you seen that? Oh my goodness! ओह, द नेल Wow! पॉलिश इज डार्क ब्लू। या फ्राइडे है भाई, फ्राइडे तो हमें तो है। हमें हमें ये ग्रीन नजर आ रही है. ओके जी, चलें, लेट्स स्टार्ट द हाँ, रिव्यू. वी विल स्टार्ट विद बंधे एक डोर से. कितने गुस्से हैं मैं आप उम्र पे? मैं उमर भी गुस्से में हूँ और मैं माहीन पे भी गुस्से में हूँ, क्योंकि मतलब एक लेवल, एक लिमिट होती है ना कि आप कितनी अल्लाह मियाँ की गाय और कुर्बानी का बकरा और सब कुछ बन जाएं। बहुत हो गया भाई, मतलब दोस्ती के नाम पे आपने तो बस जिंदगी कुर्बान कर दी अपनी। और उमर तो बस, उमर जो है ही इज लाइक यू नो, ही बिलीव एवरीथिंग रोशनी मुंह से बोलती है और वो फिसलते हैं वहीं। अच्छा शाजिया, सो पहले तो आप इधर देखें, सामने ऊपर, ताकि मुझे लगे कि आप मुझे देख रही हैं. अब यस, मैं देख ही नहीं हूँ क्योंकि अब मैं बेटर. कैमरे में देख रही हूँ। यस प्लीज, कैमरे में देखती रही ऑन द ताकि. स्क्रीन मैं आप ही को देख रही हूँ, लेकिन वो नहीं नहीं तुम्हें नहीं नजर आ रहा। आप हाँ कैमरे में देखें. ओके, आई थिंक या थ्रू थ्रू माहीन फाइजा इफ्तखार जो हाँ कोशिश कर रही है ना, वो ये कर रही है लड़कियों को बताना कि अगर कोई इंसान तुम्हें नहीं रखना चाहता, उसके दिल में तुम्हारी जगह नहीं है, तो शादी के नाम पे जिंदगी मत गुजारो. लेकिन एट द सेम टाइम वो लोग उसकी दूसरी शादी, उसकी दूसरी शादी की बात करें, ये बात नहीं करें कि माहिन को तलाक दिलवा दें या माहिन को अलहदा करके सेटल कर दें या कुछ कर दें. सो रियली डोंट नो विच डायरेक्शन दिस ड्रामा गोइंग इन. जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा सबसे, वो जो दादी ने मारा है ना एंड में उमर को, मेरा दिल चाह रहा था मैं भी दादी के साथ ज्वाइन करूँ. मैं कहूँ दादी, आई एम विद यू, इसको ऐसे ही मिलना चाहिए. या दादी का गुस्सा जो है वो बिल्कुल सही था, और वो वाकई लग रहा था कि स्क्रीन से स्पिल होके हमारे तरफ भी आ रहा था इसी तरह। बट आई वुड हैव लाइक माहिन टू शो सम एंगर, कुछ तो दिखाए ना। मतलब क्यों इतनी भी ज्यादा, क्या कभी गुस्सा नहीं आता माहिन को? पर गुस्से की बात नहीं है ना, उसे पिछली एपिसोड में उन्होंने दिखाया है ना, शी इज गॉन थ्रू दैट प्रोसेस. शी डजंट वांट टू हैव सेल्फ पिटी, शी डजंट वांट टू लिव विद अ पर्सन जो उसे प्यार नहीं करता. मेरे ख्याल में इट्स सिंपल एज दैट. लेकिन मुझे ये बताओ कि ये जो एंगल निकाला है आपके, रोशनी ने उमर के दिल में शक डाल दिया है और उमर एक्चुअली सोच रहा है, उस पे आपके क्या, उस पे आपका मेरे ये तजर्बा है? तासुरात है कि उमर के अंदर कोई वो नहीं है। ही हैज नो गट्स, ही हैज नो करेज हिमसेल्फ टू से एनीथिंग। वो या तो माहीन के कंधे पे रख के गोली चलाता है या वो रोशनी से करता है। सो लुकिंग एट द कैरेक्टर, आई विल से दैट यस, कैरेक्टर तो उन्होंने वो ही दिखाया है जो है उमर का। बट एज अ हीरो इन अ ड्रामा फॉर अ सेंट्रल रोल, जिसमें हम चाहते हैं कि माहीन जो कर रही है, इतनी कुर्बानियां दे रही है, वो एक ऐसे इंसान के लिए देना चाहिए कि हमें भी लगे कि ओके, उमर हैज समथिंग इन हिम, सम स्टिंग। मतलब व्हाई इज शी इन लव विथ हिम, अभी तो मैं ये भी क्वेश्चन कर रही हूँ, व्हाई हिम, शी सही सीम्स बात. सो मच बेटर। लेकिन पहले का उमर और शादी के बाद की उम्र में फर्क है. पहले का उमर वॉज वेरी वेरी कंसिडरेट एंड बहुत फैमिली वाला था. सो कंप्लीटली एग्री विद यू. मुझे लगता है ये भी फायदा तकाली दिखाई कि मर्द का यही होता है, खुद बेवफाई करते रहो, लेकिन जैसे शक आ गया तो अपना इल्जाम और अपना वो जो ना औरत पे थोप दो कि जी यही गलत है, इसलिए ये मेरे साथ अच्छा होने की कोशिश और मैं करता सोच है. रही हूँ राबिया, शायद ये भी हो कि दिस शोज कि आपकी जिंदगी में एक गलत इंसान अगर आपको इन्फ्लुएंस करता है तो आपकी पर्सनालिटी को क्या हो जाता है। एंड विद उमर वो, आई एम गिविंग हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट कि तो नो, बिखर के रह गया है। आई नो यू विल से दैट, बट मैं आई एम लुकिंग फॉर रीजंस कि क्यों उसको दिखाया है इस तरह। ठीक है, फिर अहमर के, अहमर को क्यों गालियां दे रहे हैं हमारी अरीज के साथ बुरा होने के लिए? उस पे भी गलत इन्फ्लुएंस था, जज्बात का इन्फ्लुएंस था उसके ऊपर, हालात का इन्फ्लुएंस था, उसकी बेवफाई का इन्फ्लुएंस था. नो, यू कांट से दैट. इस तरह तो हर एक इंसान जो गलत काम करे उसकी जस्टिफिकेशन होना देना शुरू कर देंगे हम.
आई लाइक इट के फैमिली में जो अम्मा और अब्बा के दरमियान बातें हो रही है, स्पेशली अब्बा, ही लाइक ही सेज वन थिंग देन ही ब्रिंग्स आउट अनदर थिंग. तो वो सारे थॉट्स एंड प्रोसेस, सारे ख्यालात और सारे आर्ग्यूमेंट जो लोगों में चल रहे हैं वो उसको वॉइस आउट कर रहे हैं. सो आई लाइक दैट. शुड आई बी नो, बट आई एम टोटली फॉर द मदर. आई मीन आई थिंक द अब्बा इज इन अ वीक स्पॉट राइट नाउ, क्योंकि वो अभी हॉस्पिटल से होकर आए हैं. सो आई फील कि उनका जजमेंट जो है वो काफी बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा सा इतना क्लियर नहीं है. देख, यू हैव टू टेक अ स्टैंड. आप हर चीज में अगर मगर नहीं कर सकते. यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर वॉट इज राइट ऑन प्रिंसिपल. एंड आई थिंक अभी उनका दिल बहुत कमजोर हुआ है फॉर मेरी, मी. आप प्लीज मेरी तरफ देखती रहिए, ऊपर कैमरे में नीचे मत यार मैं देखिए. क्या करूं, तुम्हारी तरफ देखूंगी. अच्छा, मैं कैमरे को हिला रही हूँ थोड़ा सा. डांटना मत, हिला दिया. हाँ, अब तुम्हारा सर कट रहा है. अब जैसे था वैसे मैं था कैमरे. बहुत प्रो हो गई हूँ ना, अब कर लिया मैंने. हाँ यार ये एडिट मुझे करना पड़ेगा ना, तो फिर मैं आपको बहुत खूबसूरत अल्फाज में याद करूंगी जब मुझे स्क्रीन को इधर उधर मूव करना पड़ेगा. ओके, जलन, क्या या ख्याल है आपका जलन के बारे में? मैंने जलन की दूसरी एपिसोड नहीं देखी है बाय द वे. ओके, ठीक है. तो मैं आपको पहले बता देती हूँ थोड़ा सा. हुआ ये है कि अब वो अहमर के दिल में अरीज के लिए कुछ फीलिंग्स जाग उठी हैं. क्यों जाग उठी है ये सवाल, दो दो वजह से हो सकता है. एक तो ये कि अरीज ने उनको अच्छी तरह सुनाया है और उनसे कहा है कि जाओ तुम भाड़ में, तुम्हें जो करना है करो, या शायद इसलिए. दूसरा कि जब आपका कोई नाकाम आपकी मोहब्बत होती है और आपका दिल टूटता है, एंड पीपल समटाइम्स नेवर रिकवर फॉर इयर्स. तो आई थिंक ये जो वापसी जो इन्होंने निशा की देखी ना, एंड हिज इंटरेक्शन विद हर, मे बी दैट ऑल्सो हेल्प पुश हिम टू से कि दिस इज नॉट वर्थ इट, व्हाट एम आई वेस्टिंग माई लाइफ फॉर. एक तो ये हुआ. ऑल्सो मे बी उसके दिल में ये भी होगा कि अच्छा, निशा तो खुश नहीं है, तो उसके दिल को मरहम लग गया कि ठीक है, नाउ आई मूव ऑन. कभी कभी आप किसी दूसरे की खुशी देख के ज्यादा जल जाते हैं, लेकिन किसी दूसरे को ना खुश देख के आपको एक सुकून मिल जाता है. यू लाइक ओके, आई एम बेटर ऑफ, मूव ऑन. उसने कहा, उसने उससे सवाल पूछा. आई डोंट नो, ये सेकंड में पूछा था, जरा फर्स्ट और सेकंड मिक्स हुई है मेरे दिमाग में. अहमर ने निशा से पूछा कि तुम क्या खुश नहीं हो असफन के साथ, और उसने कहा कि नहीं, वो वैसा नहीं निकला. तो अहमर ने तड़क से जवाब दिया कि जैसे तुम वैसी नहीं निकली थी. सो दैट वाज एक्चुअली समथिंग. तो अहमर का मुझे लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता उसके दिमाग में ना लाइट जल रही है, समझ आ रहा है. तो ऑल दो ही स्टिल सम कॉर्नर ऑफ हिज हार्ट स्टिल लाइक्स हर, बट स्टिल आई एम ग्लैड कि कुछ समझ. मुझे ये बताओ कि जलन में आधे से ज्यादा एपिसोड में म्यूजिक होता है, और फिर एक डायलॉग आता है, और फिर 3 मिनट तक म्यूजिक होता है, और फिर एक डायलॉग आता है, ये क्यों होता है राबिया? क्योंकि कमर्शियल चाहिए होते हैं ना, पैसा चाहिए, अर्न करना है प्रोडक्शन हाउस को, तो इसलिए. तो ओएसटी सुना रहे होते हैं हमें बार बार. इतना ओएसटी हमने किसी ड्रामे में नहीं सुना होगा. बट आई जस्ट होप कि दो चीज़ें नहीं हो. एक ये कि अस्फी को इन द एंड बेचारा ना बना के दिखा दिया जाए, एंड वी एंड अप फीलिंग बैड फॉर हिम, एंड वी से हाँ निशा को तो सजा मिल गई, लेकिन क्योंकि निशा ने अस्फी के साथ बुरा किया, सो अस्फी बेचारा है. सॉरी, आई रियली होप दे डोंट डू इट. एंड सेकेंड ये कि आई ऑल्सो डोंट फील इट्स जस्टिफाइड कि अहमर, जिसने अदीज के साथ इतनी बदतमीजी की थी, मतलब द साइड ऑफ अहमर, एंड नाउ वी आर रूटिंग फॉर हिम ऑल्सो कि ओ अहमर जाओ तुम निशा के साथ बदला लो और तुम मीनू का बदला लो एंड ऑल दैट. सो आई रियली फील कि कहीं ना कहीं बैलेंस स्ट्राइक हो. सो आई एम गोना वेट एंड सी फॉर द नेक्स्ट एपिसोड कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, एंड टू सी कि Ahmer, I think, needs to apologize to Areej big time, and he really needs to make up. ये इस तरह दो चार मीठी बातें करके मुझे ही लग रहा था कि उसका स्विच ओवर बड़ा जल्दी हुआ है, ओवरनाइट हुआ है. एंड इट नीड्स यू टू टेक टाइम, एंड ही नीड्स टू मेक अप फॉर, एंड ही नीड्स टू लिटरली अपोलोजाइज टू. सेकेंडली, मुझे एक सीन हुआ था उसमें सेकेंड किस्त में, जिसमें वो उसको समझा रहा होता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था घर में जब तुम आई थी, जो तुम समझ रही हो बिटवीन निशा एंड मी, और तुम मुझे जानती नहीं हो. उसमें ना उसका फोन बजा अहमर का, और वो निशा कॉल कर रही थी. तो उसने अरीज ने देखा, तो उसने फोन अहमर ने अरीज को दिया कि तुम उसको बता दो कि आई एम टू बिजी टू आंसर. तो व्हाई डिड ही डू दैट? व्हाई डिडंट ही पिक अप द फोन? व्हाई वुड एनी मैन डू दैट? सो मे बी बिकॉज वो अरीज को अपना प्रूफ भी करना चाह रहा है, और उसने कहा चलो निशा को एक ही दफा पता चल जाए, शायद वो निशा को साइन देना चाह रहा है, या वो चाह रहा है कि दोनों में कुछ
हो और वो सेंटर ऑफ अटेंशन हो जस्ट टू बी चीप फॉर माय चीप थ्रिल्स आई एम सेइंग सो दैट आई जस्ट फील दैट मेन व्हेन दे कांट डू एनीथिंग दे पुश देयर वाइव्स फॉरवर्ड. लाइक आगे भी दिखाते हैं कि वो ही निशा से डील कर रही है, वो ही बुरा भला कह रही है उसको, क्योंकि अहमर ने अभी तक निशा को कुछ बुरा भला नहीं कहा है. तो आई फील कि एमर का कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि वो अरीज को यूज करेगा फॉर दिस. अगर वो ऐसा दिखाए और उनका मकसद ये, तो आई एम सॉरी ये फ्लॉ है, क्योंकि एमर हमेशा से बहुत आउटस्पोकन रहा है. वो निशा को उधर ही लगा के दे देता है जो भी उसके दिल में नहीं था. किया. सो दिस इज नॉट एमर्स कैरेक्टर. हाँ मे बी या फाइनली अरीज की एक पर्सनैलिटी और अरीज की एक पोजिशन दिखाने के लिए अगर ये किया जा रहा है, तो दैट कुड बी द ओनली रीजन आई कुड थिंक ऑफ, यू नो. या सो वी मूव ऑन टू विच वन डू यू वॉन्ट टू डू फर्स्ट, राजे उल्फत और व्हाट चॉइस डू आई और हैव? शराब. एक मिनट, आई एम जस्ट पुटिंग माई फोन ऑन साइलेंट. यूजली आई डू इट, और आज पता नहीं क्या हुआ कि मैं नहीं कर पाई. हाँ जी, तो आज राबिया की जो हाँ, सो सॉरी, ओके राज़े उल्फत या फिर सराब. लेट्स डू राजी उस्फत, क्योंकि इस्माइल मियाँ पे काफी बातें हो रही थी. मुझे पहले तो मुझे ये बताएं कि एक सीन था जिसपे खूब हंगामा हुआ है, जिसका हम इंतजार थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा गैस किया कि वो कौन सा सीन था. कौन सा सीन था? ओके तो पहले मैं जस्ट गिव अ क्विक बैक स्टोरी. राबिया ने जब गौहर रशीद साहब को इंटरव्यू किया था इस्माइल मियाँ को, तो उन्होंने कहा था कि एक पॉइंट आएगा जो अभी के एपिसोड में हुआ इस हफ्ते में, जिसमें वो सीन कर रहे होते हैं एंड देन ही सेज अ डायलॉग विच इज नॉट इन द स्क्रिप्ट एंड ही सेज आई शुडंट हैव सेड इट, लेकिन मेरी मुझे आमद आई उस वक्त, मैंने कह दिया. और यमुना जैदी जो है, वो यमुना जैदी हैं, वो चुप करके तो नहीं बैठी, उन्होंने कड़क से जवाब दे दिया उसी के ऊपर एंड दे केप्ट रोलिंग. तो हम इंतजार कर रहे हैं, हमने वो ट्वीट भी किया था कि वो कौन सा डायलॉग था, कौन सा सीन था. तो डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इट इज? बिकॉज आई थिंक आई नो, आई एम नॉट श्योर, सो कि दो बट आई चीजें, थिंक. उन्होंने ये नहीं बोला था कि मैंने डायलॉग, उन्होंने कहा था कि कुछ उन्होंने उस पर इम्प्रोवाइजेशन की है. वी डोंट नो इफ इट वाज एन एक्शन और अ डायलॉग, नंबर वन. नंबर टू, उन्होंने सीन बताया था उन्होंने मुझे ऑफ रिकॉर्ड या पता नहीं कैमरे पे कि कौन सा है, ये नहीं बताया कि क्या उन्होंने इम्प्रोवाइज किया था. सो आई डोंट हैव द इन्फॉर्मेशन ऑन दैट. आई हैव मैसेज्ड हिम, मुझे अभी तक जवाब नहीं आया. तो गौहर, अगर आप ये सुन रहे हैं, हमारा रिव्यू देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे मैसेज का जवाब दीजिए. तो मुझे लग रहा था कि जब भी दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे ना, जब वो जा रहे थे उसको छोड़ने के लिए, सो वो कहते हैं कि कोई किसी को हमेशा के लिए बांध के नहीं रख सकता. एंड ही सेज समथिंग एल्स एंड देन एकदम से वो देखती है मुश्क एंड शी सेज कि मैं मोहिनी की बात कर रही हूँ. एंड आई फेल्ट दैट दैट सीन, दैट डायलॉग ओवर देयर दे डिड समथिंग, क्योंकि दैट इज नॉट वॉट नॉर्मली जो डायलॉग्स मुझे लगता है जो राज़ी उल्फ़त में लिखे हुए होते हैं, कि उन्होंने बिल्कुल एक पुश कर दिया उसको. आई कुड बी रॉन्ग बट दिस इज वी वॉट आई हैव टू थिंक. वेट फॉर गौहर्स कंफर्मेशन. हम वेट करेंगे, और फिर शायद अगर गौहर ने हमें जवाब दे दिया तो हम शेयर करेंगे कि वो एग्जैक्टली कौन सा सीन था और उसमें क्या हुआ था. The other would probably be near the gate, जब वो उसको खुदाफिस कर रही थी और जा रही थी. मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि क्या हुआ था, सो मैं नहीं बता सकती मैं फैक्ट्स क्या को. करूंगी, मैं ट्विटर पे मैंने ट्वीट किया था, कोई 50 लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप बता भी दें कौन सा सीन था. आई एम गोइंग टू मैसेज हिम अगेन एंड टेल हिम दैट प्लीज या टेल अस. और मुझे इनबॉक्स में भी बहुत मैसेजेस आए हैं, लोगों ने टैग भी किया कि हाँ आगे आपने कहा था आप बताएं. तो या अदरवाइज हाउ डिड यू लाइक द एपिसोड? क्या आपको कैसा लग रहा है? यू थिंक कि सेबा एक्चुअली सोच रही है जैसा इर्तजा ने बोला, सॉरी मुश्क क्या एक्चुअली सोच रही है जैसे इर्तजा ने बोला कि वो उसने सोचने का टाइम दिया है, या ये सिर्फ इर्तजा की खाम ख्याली है क्योंकि उसको मिलने आ गई थी? ओके आई थिंक जब वो तैयार होके गई थी, तो मुझे लग रहा था जब वो तैयार हो रही थी, शी हैड गॉन बैक टू दैट टाइम, और वो म्यूजिक भी वो वैसा प्ले कर रहे थे और वो सोच भी रही थी जब वो आई भी थी. लेकिन जब उसने ये कहा कि क्या तुम खुश नहीं हो, जब उसने बैठ किया और उसको यूं करके जो देखा ना उसने मुश्क ने, तो आई थिंक के सम थिंग्स इन हर दिमाग, उसके दिमाग में कुछ चली. उसने कहा तो ये होगा, अदरवाइज व्हाई वुड ही से इट. मुझे ये भी लग रहा था कि वो पुरानी वाली मुश्क वापस आ गई है, तो क्या मुश्क की जर्नी वहां से इस्माइल मियां तक, कुछ उसकी मेच्योरिटी भी आई है उसके कैरेक्टर में, वो सब कहाँ गया? सो आई डोंट नो, बिकॉज वो आई मीन फॉर मी शी शुड नॉट हैव गॉन एंड मेट हिम. फॉर मी शी शुड हैव टोल्ड इस्माइल मियां कि एक्चुअली ठीक मेरा है मैं एक दफा क्लोजर के लिए जा भी रही हूँ, शी डिडंट डू आइदर ऑफ द टू थिंग्स. सो मेरा मेरा अगला सवाल यही था कि क्या हम मुश्क को ब्लेम कर सकते हैं? शुड वी बी ब्लेमिंग मुश्क कि वो गई और वो टेम्प्ट हो रही है? मतलब क्या हम उसको ब्लेम कर सकते हैं? क्या ये जायज नहीं है कि एक दफा तो उससे मिलने जाती?
या सो जायज ना जायज का तो मुझे नहीं पता, शी इज इन अ मैरिटल रिलेशनशिप तो उसको जानना तो नहीं चाहिए था, लेकिन ये जरूर है कि वो अभी यंग लड़की है, शी इज नॉट ओवर जो भी इसके साथ हुआ, और अभी उसकी जिंदगी भी देखो, वो तीन बच्चे, शी इज अ यंग गर्ल, वो घर का ख्याल रख रही है, बच्चों का ख्याल रख रही है, मोइनी इज नॉट इजी, शी इज नॉट इन लव विथ इस्माइल मियाँ, तो वो जो कर रही है वो प्यार के लिए भी नहीं कर रही है अभी. सो लुकिंग एट ऑल दैट एंड यू नो विथ सम दिल सम जज्बात इनसाइड यू, आई वुड से कि यस वो चली जाती, इट्स ह्यूमन, लेकिन आगे का उसको सोच के डिसीशन लेना चाहिए. व्हाट डू यू थिंक? आई डोंट नो, आई वॉज थिंकिंग, मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हैं मुश्क पे, एंड गिवन मुश्क की नेचर, मुझे लगा है जो भी हुआ है वो नेचुरल उसका रिएक्शन है. मुश्क को हमेशा बात देर से समझ आती है. मुश्क यू नो, आज की नौजवान नस्ल है ना, वो एक दफ़ा थोड़ी पहली बार में बात सुन लेते हैं, वो अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, ट्राई करते हैं, फिर उनको कभी वो अपने ख्याल में कामयाब भी हो जाते हैं और कभी नाकाम हो जाते हैं, फिर उनको रियलाइज होता है कि अच्छा जो बड़ों ने बात कही थी वो सच्ची थी. और शायद हम सब भी उसी स्टेज से गुजर चुके हैं किसी ना किसी वक्त, तो मुझे लगता है कि उसका एक प्रोसेस है वो उससे गुजरे, क्योंकि अब जैसे तुमने बोला ना, हमें पुरानी वाले मुश्क की कहीं कहीं झलक नजर आना शुरू होगी. वो अपनी माँ को जब जा रही होती है बाजार, तो वो उसी तरीके से जवाब देती है जैसे पहली वाली मुश्क देती थी, तो वो इर्तज़ा की वापसी से भी थोड़ा सा आया है. बट यस, आई डिड फील कि जब इर्तज़ा ने उसको ये बोला कि तुम्हारा वो जुमला कि तुमने कहा कि जिस शख्स से तुम्हारी शादी हुई है तुम उसके साथ हो वो सही नहीं था, आई फील कि वो गलत था. वहां पे उसको कहना चाहिए था, उसको एक शट अप कॉल जरूर देनी चाहिए थी. बाद में वो सोचती, उसको एक सामने थोड़ा सा, मतलब उस शख्स ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया यार, अब खुद उसको सच्चाई पता चल गई है तो वो आ रहा है, तो थोड़ा सा उसको ना ये रखना चाहिए था, मुझे लगता है मुश्क को. बट अदरवाइज बाकी नहीं, आई जस्ट फील कि मुश्क काफी हाजिर जवाब है नॉर्मली, लेकिन इर्तजा के सामने उसकी बोलती बंद हो जाती है, एंड पहले भी ये होता था, अभी भी ये होता है. सो आई एम वेटिंग फॉर हर टू गिव हिम अभी सही है. समथिंग, जिस तरह उससे जाके स्टेज पे किया था, शी नीड्स टू से इट टू हिम वंस, क्योंकि वो बाकी तो सबको कह देती है. और मुझे ये समझ नहीं आती है, सहबा में इतनी एजुकेटेड लड़की क्यों इतनी डेस्परेशन दिखा रहे हैं कि वो बंदा तुमसे शादी नहीं करना चाह रहा, तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हुई हो? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो तुमसे, दैट ही विल फॉल इन लव विद यू एंड ऑल द फैमिली इज ट्राइंग कि उसकी उससे शादी हो जाए. दैट रियली इरिटेटेड मी. दैट ऑल्सो, और उनके अब्बा का जो स्टेटमेंट था कि उसकी पर अब तलाक याफ्ता का भी एक वो लग जाएगा, फिर भी तो मुझसे मतलब जो सहबा ने सब किया है वो तो देख नहीं रहा है, बट यस दे आर शोइंग डबल स्टैंडर्ड्स इन आप सोसाइटी. जाके देखिए तो सही कि इतनी बड़ी बात नोमी ने बोली है, तो आप सहबा के बारे में थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन नोमी से पूछिए तो सही ना. बट एंड आई आल्सो फील डिसअपॉइंटेड कि 8 मिनट की रेपिटेशन पुरानी उसकी और फिर इतना ड्रैग किया हुआ फ्लैशबैक एंड एवरीथिंग. सो व्हाइल आई लव द रोमांटिक सीन्स, आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड. यस, मैं ये कह रही थी ना हमेशा से कि राज़ी उसत में कभी कभी लगता है दो अलग अलग ड्रामे चल रहे हैं, बिकॉज वन वन ट्रैक एंड वन सबप्लॉट इज सो ग्रेट एंड द अदर वन हमें समझ नहीं आ रहा क्यों है, हम फॉरवर्ड कर देते हैं एनीवे. ओके जी, शराब. जी शराब, मैंने शराब को 15 मिनट्स में खत्म किया या 20 मिनट्स में, कैन यू बिलीव इट? हाँ आई वाज सो हाँ आई कैन बिलीव इट, आई कैन बिलीव इट, बिकॉज इन दैट होल शराब, मुझे देखो शराब मुझे यहाँ मिल नहीं रहा है अपना, एक सिर्फ सीन था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था. आई कांट फाइंड शराब हियर, पता नहीं कहाँ गया. एनीवे मुझे याद है मुझे क्या कहना है. व्हाट वाज, ओके आई विल आस्क यू फर्स्ट, तुम्हें क्या अच्छा लगा था उसमें? मुझे ये एपिसोड बस ऐसे ही लगी, ठीक ही लगी. आई वॉज नॉट सो मच, मतलब मुझे कोई खास ना, मुझे हुरैन और असफंद यार का, असफंद का कुछ मुझे ज्यादा वो लगा, बहनों का सीन तो मैंने लिटरली आई फॉरवर्डेड ऐसे मैंने किया. और मुझे सिर्फ ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई कि अब वो दवाइयाँ नहीं लेना चाह रही, तो उसने अपने दिमाग से ये क्रिएट करवाया है कि तुम जाओ, कि असफन उसको आके बोल रहा है कि तुम दवाइयाँ नहीं लो. बाकी मुझे बिल्कुल ड्रैग वो अम्मा अब्बा का सीन और डायलॉग कि हाँ अब उसने ये उसने जीता है मेरा ट्रस्ट एंड एवरीथिंग, आई फाउंड इट टू बी यूजलेस. सॉरी, पेशेंस नहीं है यार, इतनी और चीजें होती हैं. वी वॉन्ट टू सी अ ड्रामा दैट इज इंटरेस्टिंग, जो आपको कुछ वैल्यू दे, इंटरटेन करे, किसी किसी सूरत में ना रोना धोना चाहिए ना यूजलेस डायलॉग्स चाहिए. नहीं अब मेरे पास, मतलब तुम सोचो मैं शराब पे विदाउट वॉचिंग द होल सीरीज एक बड़ा जबरदस्त, आपको मैं पूरी समरी भी बता सकती हूँ और मैं पूरा डिस्कशन भी कर सकती हूँ उस पर, नॉट चले. ओके, सो आई फील कि शराब में प्रॉब्लम ये हुई है कि जो मेन जो सेंट्रल रीजन है व्हिच इज स्किज़ोफ्रेनिया दैट हुरैन इज गोइंग थ्रू, द आई डोंट नो व्हाई द मेकर्स फील दैट इज नॉट अ पावरफुल इनफ स्टोरी.
And I don't know why they are bringing in the other track. Maybe they are scared of ratings. Maybe they are scared that mass audience nahi milega. Unfortunately, shukar wo Bikre Moti mein nahi hua tha. Lekin Bikre Moti mein bahut sare subplots chal rahe the aur sab interesting the. Iske andar ya to wo koi interesting subplot rakhte, is tarah ka nahi rakhte. Unhone mass appeal ke liye. So I totally agree with you on that point. However, there are two things I love. Number one, yes, jo parents ki conversation thi, it was a little bit over the top. Lekin mujhe bahut acha laga ke पेरेंट्स आजकल इस तरह भी सपोर्ट कर सकते हैं. उनको नजर आ रहा है कि उनका बच्चा किस मुश्किल से गुजर रहा है और आगे का रास्ता भी बड़ा मुश्किल है. और मुझे उनके अब्बा का ये स्टेटमेंट बड़ा अच्छा लगा कि उनको जाने दो, आगे तो उसी को संभालना है, हम तो नहीं कर सकते थ्रू आउट. सो दे आर ट्राइंग रियली हार्ड. The other thing that I loved and I just feel उस पे connection सही नहीं हुआ राबिया, क्योंकि आज भी हमने Instagram पे post किया था, some people did not understand what really happened. जब असफंदियार अपनी friend से बात कर रहा था और उसका friend कह रहा था you people should go away, और असफंदियार कह रहा था नहीं, now she has to get used to living with the family. वो अपने आप को समझा रहा था. और हम सब ये करते हैं at some point कि जब हमारे सामने ऐसी कोई मुश्किल होती है कि हम denial में चले जाते हैं. उस वक्त मुझे लग रहा था असफंद is going into denial कि नहीं सब ठीक हो जाएगा एंड शी नीड्स टू लर्न. जब वो जाता है उसके पास और वो कहता है कि तुम अपने आप को ठीक करो और वो कहती है कि तुम्हें पता है, अब ये पिछला सीन था पिछले एपिसोड का जो वो नेबर्स पैसे देके गई थी उसको, ठीक है, इट वाज कनेक्टेड टू दैट एंड शी सेड कि तुम्हें पता है वो पैसे थोड़ी थे, वो तो तावीज थे जो उन्होंने फेंके थे नीचे. एंड देन असफंद रिमेम्बर्ड एंड ही रियलाइज कि ओ माई गॉड दैट्स वाई शी रिएक्टेड द वे शी रिएक्टेड, दैट्स वाई शी वॉज बदतमीज, जो किसी हमें भी नहीं समझ आया था कि उसने क्यों किया था. So even our Instagram followers asked कि क्या था, क्या वो तावीज था. So then I wrote and I said कि no, it was in her dimag. She thought it was a तावीज and that was beautifully so done. I feel, yeah, so I feel I don't know why people are asking, because अगर आप ड्रामा देख रहे हैं तो मुझे तो बहुत क्लियर था. मतलब मैंने पिछले केस देखा था तो मुझे क्लियर था. हाँ, जैसे सीन दिखाया तो मुझे समझ आ रहा है क्या बात कर रहे हैं कि वो उसने जब उसने पैसे दिए तो डेफिनेटली उस वक्त हमें हुआ था कि ये क्यों कर रही है, बट हमने सोचा मे बी उसकी ये एक उसका साइड इफेक्ट है उसकी बीमारी का, इसलिए वो करिए. लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि उसको वो पैसे एज तावीज नजर आ रहे थे, यू नो. सो इट मेड टोटल सेंस टू मी. आई डू नॉट थिंक असफंदियार इज इन डिनायल. आई जस्ट थिंक असफंदियार को रियलाइजेशन नहीं हो रही, विच इज अ वेरी नॉर्मल थिंग ऑल्सो टू सम एक्सटेंट, कि डॉक्टर ने जो उसको बातें बोली है वो कितनी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डॉक्टर ने उसको बार बार बोला है कि तुम इसको अलहदा करो, तुम उसको नॉर्मल भी रोल लेके. सो मेरे हिसाब से इस वक्त हुरैन को वहां ले जाना इज नॉट द राइट डिसीजन, इट इज नॉट. सो इसलिए जो असफन ने इनिशियली बोला कि उसको यहाँ रहने दो, आई एम विद हिम, आई डू नॉट थिंक इट वॉज इन डिनाइल. ही टू सम एक्सटेंट अंडरस्टैंड, बट मे बी ऑल्सो ही इज अ यंग गाय, मे बी वो सोच रहा है कि शायद इसको मैं वहां ले जाऊं तो थोड़ा सा ब्रीदर मिल जाए या कुछ. बट I don't think ke usko, I think right now he's making a mistake by taking Hurain to that. Okay, I'm not sure. I do remember now. Tum keh rahi ho doctor ne kaha tha ki uska environment change nahi hona chahiye. That's what she said. Mujhe yaad nahi aa raha. Is waqt usko bilkul alada separate kare. Isko doctor ne to kaha tha isko aap admit karaye. Doctor ne to kaha tha admit karo. Wo to mujhe pata hai. Uska kya reason? Uska dekho na. Ab wo dawai khane se mana kariye. Asfan cannot handle it. She needs to be under, and which is so sad. But it's a सी यही मैं कह रही हूँ ना, वो सास बहू और वो बहनों की टॉक्सिक, आप ये सारी चीजें इग्नोर कर देते हैं या आपको नहीं वो नजर आती, क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज है कि क्योंकि हम लोगों को लगता है ना कि हाय किस तरह हम किसी अपने प्यारे को किसी जगह एडमिट करा दी, लेकिन उस प्यारे की या उस इंसान की बेहतरी के लिए जरूरी है कि वो कराएं. जैसे एज एन आउटसाइडर आई एम लाइक प्लीज हुरैन को ले जाओ, ये टैबलेट्स खाना हुरैन की लिए जरूरी है, लेकिन असफन नहीं कर पा रहे. असफन विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट. असफन को बड़ी जान चाहिए होगी कि वो उसको ले जाए और एडमिट कराए उस जगह पे, यू नो. आई एग्री विथ यू दैट आई एग्री, बट आई वॉज थिंकिंग कि मे बी अकेले जाएंगे तो शायद थोड़ी इम्प्रूवमेंट आए, बट आई डोंट नो व्हाट द डॉक्टर वुड हैव सजेस्टेड. सो या बट ये जरूर है कि उसको एडमिट करना चाहिए. सो इफ यू डोंट हैव एनी अदर पॉइंट शुड यू मूव टू किसी पिटी मोहब्बत. वी कैन हाँ किसी पिटी मोहब्बत जी. यस बशारत इज इन द हाउस. बशारत इज इन द हाउस का नाम भी बड़े मजे का बशारत है. वो बशारत की भाभी भी बड़े मजे की है. इट्स लाइक बॉर्डर लाइन थोड़ा स्कैंडलस सा रिलेशनशिप उनका जाता है, सोचता है फिर throws her back to the bhabhi, you know, outline to phir like nahi nahi bhabhi devari hai kuch aur nahi hai, you know, it's like sorry to say but they give these kind of vibes through the drama. But acha mujhe mazey ki lagi, mujhe interesting lagi and I just mujhe
मुझे बहुत मजा आ रहा है बशारत का कैरेक्टर देखने का, और एकदम से जो सामिया में भी चेंज आया है, डिड यू नोटिस दैट कि सामिया भी जो है ना वो फॉरन उसको ऐसे आंखों से हाँ मना कर रही होती है और सब कुछ। हाँ डू यू थिंक सामिया हैज मेट हर सोलमेट? डू यू थिंक दिस इज इट फॉर हर? आई डोंट थिंक सो। शी इज एंजॉयिंग हर सेल्फ. सामिया हालात की मारी भी है भाई, वो जिंदगी से तंग आई हुई है तो उसको एक रिफ्रेशिंग चेंज मिला है, और वो उसको घास नहीं डालता। देखो जब उसको चाय भी बुलाती है वो एकदम से नहीं आता, टाइम लगा के आता है, और जब अंदर भी आ गया तो उसने कोई रिश्ता नहीं मान लिया उसका, वो अपने लगा हुआ है कैरम खेल रहा है, उसने फुप्पो को बताया आपकी टिकटॉक करती है, सो ही इज टोटली कीपिंग हर एट डिस्टेंस व्हाइल बीइंग नाइस टू हर, यू नो। सो उसने उसको कंफर्ट जोन दे दिया कि भाई मैं तुमसे शादी वादी या वो नहीं करने के इसमें हूँ, मैं तुमसे बस तुमसे अच्छा हो रहा हूँ, जैसा वो बोलता है जब उसको लिफ्ट देने के लिए कहता है। तो आई थिंक दैट इज वाई सामिया थोड़ी अपने गार्ड्स को डाउन कर लिया, एंड शी इज फॉलोइंग फॉर हिम, बट ही इज नॉट रियली हर सामिया का टाइप, दैट्स व्हाट आई थिंक। बट देन डू यू थिंक रिज वाज सामिया का टाइप? या रिज वाज समबडी व्हाट हु सामिया वुड हैव लाइक टू बी। नहीं, तो मैं यही तो कह रही हूँ कि क्या हम लोगों के ऊपर अपने आइडियल्स मुसल्लत करते हैं? नहीं, आइडियाज मुसल्लत क्या करते हैं शाजिया, किसी से एक्सपेक्ट करना कि उसने आपसे शादी की और आपसे फेयर रहे, फेथफुल रहे, ये आइडियाज मुसल्लत करना तो नहीं है, आई डोंट लेकिन थिंक। रिस तो था ही नहीं ना ऐसा. रिस वाज इररिस्पॉन्सिबल. ही डिडंट वांट अ वाइफ्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. ही वांटेड टू इरिस्पॉन्सिबल, डू व्हाटएवर ही इरिस्पॉन्सिबल वांटेड. होना और अफेयर चलाना डिफरेंट चीज है, वो उसकी इरिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा पूरा ले रही थी, वो कह रही थी मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी तुम फिक्र ही नहीं करो, वो तो अनफेथफुल था, वो तो उसको धोखा दे हाँ, दोनों चीजें था रहा ना. वो है। उसको अपनी सो छुट्टी, खुली छुट्टी भी चाहिए थी. वो कह रहा था तुम बीवी हो, तुम घर पे बैठो और मुझे जो करना है मैं करूंगा. सो दैट, तो ये सारी चीजें बाद में आई थी, पहले तो वो उसके पीछे लग रहे थे और उसको बिल्कुल लेना चाह रहे थे, बट आई डोंट थिंक बशारत इज हर सोलमेट, और बशारत इज हर टाइप। चलो लेट्स सी. आई डोंट नो. आई डिड लव द टिकटॉक वीडियो एंड द रिएक्शन ऑफ द फादर. मैंने हाँ सोचा पता नहीं डांटेंगे क्या करेंगे, बट वो भी हंस रहे थे एंड में. सो अच्छा ये बताओ असमारा का क्या होगा? डू यू थिंक दैट वो अब सोच रहे हैं? थोड़ा उन्होंने कह तो दिया था डिवोर्स, लेकिन फिर वो बाथरूम में जाके सोच रहे थे. सो आई एम वेरी डबल माइंडेड, बिकॉज वो सोच तो रहे थे लेकिन जिस तरीके से उनकी अम्मा और उन्होंने शुरू में रिएक्ट किया, और स्पेशली उनकी अम्मा, तो मैंने कहा यार आपने उस लड़की को गिल्टी फील करा दिया फॉर स्टैंडिंग अप फॉर हर राइट एंड सेइंग समथिंग, बट आई ऑल्सो फील कि मे बी अगर वो ये बोलती ना कि तुमने जिस तरीके से बात की, देखो जो उसने बातें बोली थी वो सही थी बट जिस तरीके से तुमने बात की वो गलत था, सो यहाँ पे आई फील एक बिल्कुल. डिस्टिंक्शन करनी चाहिए थी, बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स फेयर टू मेक हर फील गिल्टी फॉर सेइंग समथिंग। हाँ द वे शी सेड इट वॉज नॉट राइट, उसको डेफिनेटली एक बेहतर अप्रोच करनी चाहिए थी, थोड़ी जरा कंट्रोल्ड, रिस्पेक्टफुल, थोड़ी यू नो किसी को इतना दुख नहीं, इतनी बेइज्जती ना फील हो, इस तरह की करनी चाहिए थी, लेकिन सो ये मुझे थोड़ी सी जो चीज़ थी ना वो हो रही थी, और मैं एक्सपेक्ट करी थी कि शायद असमारा के जो हस्बैंड है वो थोड़े से सीधे हुए होंगे, अपने आप को चेक करे होंगे, बट उन्होंने टुवर्ड्स दी एंड जाके किया, शुरू में अम्मा आती है तो वैसे ही बैठे अपने लैपटॉप पे एटीट्यूड दिखा रहे हैं कि मैं खुद तो करूँगा, आप जाएं वो आपकी दोस्त हैं एंड ऑल दैट। दो चीजें. एक तो अम्मा की जब इतनी अनऑर्थोडॉक्स रिलेशनशिप है, अम्मा को ये बात डिस्कस करनी चाहिए थी बेटे के साथ. अब सुन ही लिया है तो भैया बात भी कर लें, समझा भी दें. और दूसरा आई थिंक जो तुम कह रही हो कि जो उन्होंने बेटी से फिर जाके कहा असमारा से कि अब तो मुझे रुबीना मत कहो, वट एवर, आई थिंक शी वॉज फीलिंग गिल्टी बिकॉज बेटे ने सुना दिया था ना कि आपने तो पार्टी बदल दी अपनी. सो आई थिंक देन शी फेल्ट अ लिटिल गिल्टी आई ए थिंक साइड. गिल्टी भी थी, एंड एट द एंड ऑफ द डे यार सास सास होती है, यू कांट एक्सपेक्ट हर टू बी अ फ्रेंड और मदर, इतना रियलिस्टिक और क्यों करते हैं, करने की जरूरत भी नहीं है। तो वो अपने उसमें आई कि भाई वो सोची थी शायद असमारा माफी मांगे या असमारा वापस चलने के लिए करे, लेकिन जब ये सब हो गया, केक भी खा लिया, असमारा वहीं बैठी थी जहाँ उसने अपनी करके, तो फिर उन्होंने कहा ओके फाइन देन आई एम बैक टू बीइंग अ सास, दैट्स व्हाट आई फील हैपेंड। But what I did like and what घिसी पिटी मोहब्बत is showing over here is कि चाहे आपका ससुराल कितना भी अच्छा हो, अगर मियाँ के साथ कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि दैट इज वॉट हर फैमिली वॉज ऑल्सो सेइंग ना, दैट्स वॉट वी ऑल्सो से समटाइम्स कि तुम्हारी मदर इन लॉ इतनी अच्छी है, तुम्हारी नंदे कितनी अच्छी है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, लोग यही कहते हैं. सो दैट आई थिंक इज. एंड ऑल्सो अगर आपका मियाँ भी बड़ा अच्छा हो लेकिन एक चीज उसमें आपसे नहीं सही जा रही, तो क्या आपको, दैट्स अ डिबेट, शुड यू से जस्ट यू नीड टू हैंडल इट, यू नीड टू, ये ऐसी चीज नहीं जिसपे शादी तोड़ दी जाए, इस चीज को एटलीस्ट कोशिश करके सही करनी चाहिए, फिर भी नहीं सही हो तो फिर आप सोचें, बट या एंड आई फील माँ को खुद एहसास होना चाहिए कि आपका बेटा ज्यादती कर रहा है, आपके बेटे में ये मसला है तो आप उसको ठीक करें, सॉरी बट आई थिंक ये तो माँ बाप, माओ में खुद होना चाहिए ना इतना, इतनी चीज तो। बिल्कुल.
बिल्कुल आई एग्री. सो दैट इज ऑल ऑन घिसी पिटी मोहब्बत. यू वॉन्ट टू टेक अ मिनट क्विकली टू टच अप ऑन बेअदब, फिर वी विल रैप अप. ऑन बेअदब, यस, वेरी क्विकली, क्योंकि उसका एक ही एपिसोड आया अभी राबिया, फ्रॉम व्हाट आई नो. एंड क्योंकि आप लोगों ने सबने कहा था कि बेअदब रिव्यू करें, रिव्यू. मेरी एक बड़ी अच्छी इंडियन फ्रेंड है यहाँ, और वो मुझे बताती रहती है कि शाजिया ये वाला ड्रामा देखो. उन्होंने भी मुझसे कहा कि बेअदब जरूर देखो. तो बेअदब में द कास्ट इज ग्रेट बिकॉज देयर सानिया सईद एंड देयर इज रेहान शेख. और मैं रेहान शेख तो एक्चुअली भूल गई थी, क्योंकि उनको मैंने बहुत दिनों के बाद देखा है. वो मैंने स्टेज प्ले पे उनको कहीं देखा था पहले. एंड देयर इज हाजरा यमीन. एंड द स्टोरी इज बेसिकली, जो मुझे समझ आ रही है, कि सानिया सईद एंड रेहान शेख के तीन बच्चे हैं. दो तो हमने देखे नहीं है, यंगेस्ट देखा है. एंड उन्होंने अपनी मर्जी से शायद शादी कर ली है, जितना मुझे समझ आया है. अब ये जो एक बच्चे हैं, ये हाजरा यमीन से शादी करना चाह रहे हैं, बट शी इज फ्रॉम अ डिफरेंट इनकम ब्रैकेट एज कम्पेयर टू देम. दे आर वेरी वेल ऑफ. और कहानी जो मुझे ये समझ आ रही है वो ये है कि बच्चे जो माँ बाप के लिए सिर्फ तब कुछ करते हैं तब उनको इनहेरिटेंस की फिक्र होती है. दिस इज द स्टोरी लाइन दैट्स गोइंग इन. सानिया सईद को दिखाया है दैट शी इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ व्हील चेयर. सो शी कैन नॉट, शी इज नॉट ओल्ड, शी इज यंग, बट शी इज इन अ व्हील चेयर. एंड आई थिंक उनके ऊपर काफी हर रोल इज गोइंग टू बी अ सेंट्रल रोल इन द ड्रामा डिस्पाइट दैट. डायरेक्टर शहजाद कश्मीरी, सो वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग स्पेक्टेक्युलर एंड गुड इंशाल्लाह. बट लेट्स सी क्या होता है आगे. ठीक है, चलें जी, हम कोशिश करेंगे कि हम बेअदब देखें और मे बी वी विल बी रिव्यूइंग इट कंटिन्यूअसली कमिंग वीक्स में. वीकेंड पे क्या हो रहा है राबिया, जल्दी से बता दो. किसमें वीकेंड पे क्या हो रहा है, इज देयर समथिंग हैपनिंग? आपने कुछ, यू हैव गिवन सम रिकमेंडेशंस फॉर ड्रामास जो लोगों को बिंज वॉच करने चाहिए. मैंने बोला है आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाइए, उसमें मैंने अभी नहीं किया. ओके या ओके, इंस्टाग्राम पे जाइए, वीडियो अपलोड हुई भी है. आई हैव रिकमेंडेड अ मूवी. अगर आपको डिटेल रिव्यू सुनना है उसका, तो फिर अदरवाइज आई एम सेइंग कि अगर आप फारिग हैं और आपको कोई मूवी देखनी है, आपका आप बोर हो गए रोम कॉम से और आप बोर हो गए मनी हाइस्ट और पाकिस्तानी ड्रामों से, तो आपको एक डिफरेंट फ्लेवर के लिए देखनी चाहिए द इंटर्न, विच हैज़ रॉबर्ट डिनेरो एंड एन हैथवे. सो गो वॉच इट, इट्स अ लवली एंड रिफ्रेशिंग मूवी. इट्स नॉट अ न्यू वन, इट्स एन ओल्ड वन. कोई कुछ 3 साल पुरानी तो होगी, लेकिन बहुत मज़े की है. मैंने अभी रिसेंटली दोबारा उसको स्किम किया था एंड आई जस्ट फेल इन लव विद इट ऑल ओवर अगेन, एंड दैट्स द मूवी दैट आई हैव रिकमेंडेड. ओके, एंड द वन दैट आई हैव रिकमेंडेड इज चीनी कम. चीनी कम विद टब्बू एंड अमिताभ बच्चन. और मुझे इसलिए ख्याल आया था क्योंकि कराची में बारिश हो रही थी 2 दिन पहले, और चीनी कम में बारिश के बहुत सीन्स हैं. लंदन में है लेकिन बारिश के हैं छतरियों के साथ. तो जरूर देखिएगा एंड लेट अस नो इफ यू वॉच्ड एंड एंजॉय द वीकेंड. ओके गाइस, टेक केयर, डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल इफ यू आर कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, और नोटिफिकेशन में ऑल का बटन प्रेस करना नहीं भूलिएगा. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.